अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लैंडफॉर्म्स। इससे पहले हमने ज्योमॉर्फिक प्रोसेसेस और ज्योमॉर्फिक फोर्सेस को डिस्कस किया और लैंडफॉर्म्स इन्हीं के रिजल्ट में बनते हैं। सो लैंडफॉर्म्स जो हैं ये इंटीरियर फोर्सेस मींस एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से जो लैंड रेज होता है और एक्सटीरियर फोर्सेस मींस एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से जो लैंड रेज डाउन होता है मींस उसमें इरोजन और वेदरिंग होती है, तो इसकी वजह से जो डिफरेंट फॉर्म्स और शेप्स हमें अर्थ क्रस्ट के ऊपर मिलती हैं इन्हीं फॉर्म्स और शेप्स को लैंड फॉर्म्स कहते हैं। सो लैंड फॉर्म्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट ऑर्डर्स, लैंड फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लैंड फॉर्म्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड लैंड फॉर्म्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लैंड फॉर्म्स में सब एरियल सर्फेसिस और कॉन्टिनेंट्स एंड सब ओशनिक सर्फेसिस और ओशंस आते हैं, और सेकेंड ऑर्डर के लैंड फॉर्म्स में जो कॉन्टिनेंट से डिराइव हुए हैं उनमें माउंटेन्स, प्लेटोज और प्लेन्स आते हैं, और जो ओशन से डिराइव हुए हैं वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप सी प्लेन और एबेसल प्लेन आते हैं। थर्ड ऑर्डर के लैंड फॉर्म्स में पीक, कोल, सर्क्स, गॉर्जेस, एलुवियल फैन, फ्लड प्लेन और डेल्टाज एटसेट्रा, और भी बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ये सारे आते हैं जो कॉन्टिनेंट से डिराइव हुए हैं, और थर्ड ऑर्डर के लैंड फॉर्म्स जो ओशन से डिराइव हुए हैं वो ओशनिक आइलैंड्स हैं। फर्स्ट इज लैंड फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लैंड फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में कॉन्टिनेंट्स और ओशंस आते हैं जो ब्रॉडेस्ट डिवीजन है अर्थ क्रस्ट के, और ये बहुत ज़्यादा अर्ली बने हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि विद द ओरिजिन ऑफ अर्थ ये जो कॉन्टिनेंट्स और ओशंस हैं ये बने हैं ड्यू टू द सब्सिडेंस ऑफ लैंड इन द ओशन एंड ड्यू टू द एलिवेशन ऑफ लैंड। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन के ऊपर हमने एक लेक्चर दिया था जिसमें हमने इन डेप्थ इसको डिस्कस किया था। आज हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट कॉन्टिनेंट्स आर ड्राई लैंड मासेस एंड दे फॉर्म होम ऑफ मैन। और कॉन्टिनेंट्स 7 इन नंबर हैं, फर्स्ट एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ यूरोप, सिक्स ओशेनिया एंड लास्ट एंटार्क्टिका। एंड ओशंस आर बेसिकली लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर मैन। और भी बहुत सारे फायदे हैं ओशंस के, जैसे कि ये फूड भी प्रोवाइड करता है, मेडिसिनल प्लांट्स एटसेट्रा। एंड ओशंस आर 5 इन नंबर। द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट वन इज पैसिफिक ओशन, सेकेंड अटलांटिक ओशन, थर्ड इंडियन ओशन, फोर्थ आर्टिक ओशन एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज सदर्न ओशन। सेकेंड इज लैंड फॉर्म्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर जो कॉन्टिनेंट्स और ओशंस से डिराइव हुए हैं। दे आर माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स जो कॉन्टिनेंट से डिराइव हुए हैं, जैसे कि पिक्चर में भी नज़र आ रहा है ये कॉन्टिनेंट से डिराइव हुए हैं। दे आर माउंटेन्स, द सेकेंड इज प्लेटोज एंड थर्ड इज प्लेन्स। एंड ओशन से जो डिराइव हुए हैं दे आर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप सी प्लेन और एबेसल प्लेन। ये दोनों जो क्लासिफिकेशंस हैं
ये एक्चुअली इनको मेजर लैंड फॉर्म्स कहते हैं, और ये कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बाद वजूद में आए हैं। ओशंस के इस क्लासिफिकेशन को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है इन रिलीफ ऑफ ओशन फ्लोर में, और माउंटेन्स, प्लेटोस और प्लेन्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप सी प्लेन और अबेसल प्लेन, ये कोस्टल एरिया है, इनको हमने इन डेप्थ डिस्कस किया है। आप इसको रिलीफ ऑफ ओशन फ्लोर में देख सकते हैं। थर्ड इज लैंडफॉर्म्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, जो मेजर लैंडफॉर्म्स के मीन्स माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटोस, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल राइज, स्लोप एटसेट्रा के इरोजन और डेन्यूडेशन से बनते हैं, और ये स्मॉल इररेगुलरिटीज हैं, इनको माइनर लैंडफॉर्म्स भी कहते हैं, और ये लोकल एनवायरनमेंट बनाते हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी देते हैं लैंडफॉर्म्स की। दे आर ओशेनिक आइलैंड्स। द सेकेंड इज फ्लड प्लेन। थर्ड इज अलूवियल फैन। फोर्थ वन इज सर्क, और फिफ्थ वन इज पीक्स। इन सब लैंडफॉर्म्स को हम उनके एजेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट इज द एवोल्यूशनरी साइकिल। जब अर्थ क्रस्ट एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से उभर आता है, मींस राइज होता है, रेज्ड पोर्शन आता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, प्लेटोस, मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स बनते हैं, और जब इन्हीं लैंडफॉर्म्स के ऊपर एक्सोजेनिक फोर्सेस और एक्सटीरियर फोर्सेस एक्ट करते हैं, तो डेपोजिशन होती है और इरोजन होती है। डेपोजिशन की वजह से भी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं, और इरोजन की वजह से भी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं, और इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है। मींस पहले जो लैंड होता है वो रेज्ड होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं उनकी वजह से दोबारा लेट डाउन होता है।